गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मंजू। इवनिंग सर। जिसने आना होगा वो आता रहेगा, जो नहीं आएगा वो फिर रिकॉर्डेड देख लेगा। देखिए, वैसे छायावाद से संबंधित ही पूरी की पूरी आपकी प्रश्नोत्तरी थी, और साथ ही साथ इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कुछ एक जो रचनाकार थे उनसे प्रश्न यहाँ पर रखे गए थे। गुड इवनिंग सुदेश मैम। गुड इवनिंग। तो वैसे छायावाद बहुत सिंपल सा है, एक आपका छायावाद, दूसरा आपका भक्ति काल, मतलब दोनों इंपॉर्टेंट भी और दोनों आसान से भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ एक प्रश्न रखे गए थे और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर वैसे सबने ठीक किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें हैं जो गलत हुई हैं। ठीक है, तो उन्हीं को आपने सुधार करना है यहाँ से देखना छायावाद का। इसलिए एक बार फिर से टेस्ट, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन छायावाद से ही रखे थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको भूलनी नहीं है कि जो आपका द्विवेदी युग है, देखना वो वाला जो रहा द्विवेदी युग से भी आपको याद रखना है कि वहां से भी आपको प्रश्न बन सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, खासकर आपका ये मैथिली शरणगुप्त जो है उससे संबंधित जो जितने भी प्रश्न बनते हैं, मधुगुप्त नाम से कैसे लिखा उसने, ठीक है, जो आपका ये जो ब्रज भाषा में उसने लिखी थी किस नाम से लिखी थी, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर रसिकेंद्र नाम से लिखा था, है ना, वो भी आपको ध्यान रखना है। सामंजस्यवादी कहा जाता है, आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है, दद्दा नाम से जाना जाता है, तो ये जो सारी चीजें हैं उन सबको आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, देखना मैथिली शरण गुप्त के बारे में। ठीक है, बाकी उसकी जो पंक्तियां हैं वो इम्पोर्टेंट है, वहां से वो चीज भी देखनी है, क्योंकि पीजीटी कमीशन के पेपर में आपने देखा होगा पंक्तियां जो है आधुनिक काल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही प्रश्न यहाँ पर छायावाद से भी पूछा गया है कि छायावाद के संबंध में जो पंक्तियां देखना वो बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर रखा गया है पहला प्रश्न कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, तो ये सिंपल सी बात थी डॉक्टर रामविलास शर्मा, अगर यहाँ पर पूछा होता कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है तो वो डॉक्टर नगेंद्र हो जाना था इसका राइट आंसर। बाकी यहाँ पर राम कुमार वर्मा, इसने क्या कहा था, आत्मा और परमात्मा की बात कही थी, डॉक्टर बच्चन सिंह का इतना ज्यादा जरूरी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो उनको आपने ध्यान रखना है, देखना एक बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यहाँ से आपको ये जो तीन नाम ऊपर के हैं इन तीनों को आपको ढंग से ध्यान में रख लेना है। ओके, तो इनको आप देखिए कि क्या क्या चीजें उन्होंने कही थी छायावाद के बारे में, और ये हमने डिस्कस किया हुआ है, देखना यहाँ से प्रश्न आपके लिए बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, साथ ही साथ जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने भी छायावाद के बारे में जो चीजें कही हैं उनको भी नोट डाउन करते रहना है, बार बार ये प्रश्न आपको आते रहेंगे। ठीक है, तो इनको आप एक बार देखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर छायावाद का पतन किसकी रचना है, तो ये देवराज की रचना थी। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, देखिए ये थोड़ा सा बाहर से हम कह सकते हैं, वैसे बाहर से नहीं था लेकिन फिर भी ऐसा प्रश्न था कि इसमें आपको मतलब ये आलोचना के अंतर्गत आता है, देखना यहाँ पर जो देवराज रहे हैं ये आपके किस तरीके के आलोचक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके मनोविश्लेषणवादी आलोचकों में या मनोविश्लेषणवादी चिंतक, या आप कह सकते हैं कि ये देवराज जो देखना आपका इलाचंद्र जोशी वगैरह अज्ञेय वगैरह के साथ आते हैं, हाँ, उपन्यासकारों में भी, तो उन्होंने लिखा था देवराज ने छायावाद का पतन शीर्षक से रचना। ठीक है, मुकुटधर पांडे, इसने छायावाद शब्द का पहला इस्तेमाल प्रयोग किया था, इलाचंद्र जोशी, जयशंकर प्रसाद को क्या मानते हैं, उन्होंने पहले पहल इसका प्रवर्तक माना था छायावाद का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, जबकि नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद शीर्षक से ही अपना आलोचना लिखी है, तो इन बातों को भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना, देखना इंपॉर्टेंट है जितने भी राइटर्स यहाँ पर आपके रहे हैं। ठीक है, तो छायावाद का पतन, छायावाद के बारे में देखना, इनकी जो आलोचनात्मक कृतियां जो छायावाद के ऊपर बहुत ज्यादा लिखी गई हैं, तो उनको आपने थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाना है कि छायावाद के ऊपर जो इन्होंने कौन कौन सी चीजें लिखी हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए इनसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या है, कामायनी में श्रद्धा किसकी प्रतीक है, तो मनु था मन का प्रतीक, हृदय की प्रतीक थी श्रद्धा, बुद्धि की प्रतीक किसको माना जाता है, ईड़ा को माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये बात भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो कमायनी में चार ही जो पात्र हैं प्रमुख रूप से उनके बारे में ही आपको ध्यान रखना था, बाकी कोई खास बात इनसे नहीं है, देखना तो इन चीजों को आप याद रखें यहाँ पर कि कमायनी के जो प्रमुख 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 क्या मतलब चार ही तो पात्र हैं विशेष रूप से, उन्हीं के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक और पात्र आता है यहाँ पर, देखना जो कुमार है वो जो मनु का पुत्र रहा, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, मुक्त करो नारी को मानव चिरबंदिनी नारी को, सुमित्रा नंदन पंत, तो नारी से प्रश्न संबंधित जो लाइन है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और
आंखों में है पानी, मैथिली शरण गुप्त की। सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पर मुक्त करो नारी को, ठीक है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने नारी से संबंधित कुछ चीजें कही हैं, मे बी हो सकता है अगर कुछ ऐसी चीज कही हो तो उसको भी आपने देखना है। तो सिमिलर जैसी लाइनें हैं उनको आप मतलब सबको एक साथ में याद रखें, ठीक है। लेकिन इसकी वो वाली जो पंक्तियां आती, धन्य में पिता निरर्थक था, हित में तेरे कुछ भी कर ना सका, वो इन्होंने अपनी पुत्री सरोज के लिए कही थी। तो ये लाइनें मतलब ये जितने भी रचनाकार हैं यहाँ पर ना चारों, इनसे आपको पंक्तियां याद जरूर रखनी है, देखना इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रश्न मैंने पहले ही कहा है, आधुनिक काल से आपको जरूर प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये थी कि ये वाले जो रचनाएं रखी गई हैं, पहली चीज तो आपको याद रखना थी ये किसकी रचनाएं हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखना था, ये थी हरिवंश राय बच्चन की। यस कविता, शाबाश, हाँ कविता कुछ कहना है, आवाज नहीं आ रही आपकी, हैंड रेज किया है आपने, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? यस सर, क्या बोल रहे हैं? यस सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। नहीं, मैं कविता कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। आपका आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क देखिए आप अपना। नेटवर्क चेक कर लीजिए, नेटवर्क यहां पर सही से आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। चलिए कोई बात नहीं, तो हरिवंश राय बच्चन हालाबाद के जो प्रवर्तक रहे हैं, देखना उनकी यहाँ पर ये रचनाएं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मधुशाला आ जानी थी, मधुशाला तीनों में थी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, पहले नंबर पर मधुशाला ही होना था। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, मधुशाला में मधुबाला मधु कलश लेकर निशा को निमंत्रण देती है, ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखना था। लेकिन पहले पहल मधुशाला 1935 में थी, मधुबाला 1936 में, मधु कलश 1937 में, और निशा निमंत्रण जो रही वो 1938। तो मतलब आपको सिंपल याद रखना है कि एक एक वर्ष का अंतराल जो है इन रचनाओं में आपको देखने को मिलता है, 35 से 38 तक की जो रचनाएं रही हैं। हालांकि इसके अलावा इन्होंने खादी के फूल लिखी थी, जो इन्होंने संयुक्त रूप से लिखी थी सुमित्रा नंदन पंत के साथ, उसको भी आप साथ साथ में याद रखें, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखना कई बार पूछा जाता है वो। फिर इससे संबंधित आपको हालाबाद से संबंधित ही मतलब यहाँ पर आपके जो रचनाकार रहे हैं, देखना ये जो आपके क्या नाम रहा इनका, हरिवंश राय बच्चन, इनसे पूछा गया था कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला है, तो चट्टाने पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा अन्य भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनको भी आप थोड़ा सा याद रखें, बंगाल का अकाल, ठीक है, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी रचनाएं हैं, उनको आप देखिए कि कौन कौन सी इसमें रही हैं। फिर यहाँ पर जो आपके कौन रहे, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये किसकी रहेंगी, रामधारी सिंह दिनकर की। तो रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का जो प्रमुख कवि है, उससे संबंधित प्रश्न भी एक आपको ऐसा पूछा गया था कि जो ये रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आधुनिक काल में वीर रस का एकमात्र जो प्रसिद्ध लेखक इन्हें कहा जाता है, इसको भी आपने यहाँ याद रखना था। तो यहाँ पर इनकी रेणुका जो रही, देखना रेणुका सबसे पहली रचना है, लेकिन यहाँ पर सब जगह पहले ही पहल है, ठीक है, रेणुका जो 1935 में इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने कुरुक्षेत्र लिखी, कुरुक्षेत्र का जो समय रहा देखिए वो 1940 ईस्वी में रहा है। रश्मिरथी, रश्मिरथी इनका जो कर्ण को लेकर के केंद्र में रखकर इसको लिखा गया है, देखना ये इनका एक खंड काव्य है, इसको भी आपने याद रखना है। तो रश्मिरथी जो रहा ये 1952 की रचना है, और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 की रचना रही है। और परशुराम की प्रतीक्षा में क्या चीज है, देखिए ये भारत चीन युद्ध पर आधारित रचना रही है, इस बात को आपने याद रखना है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, देखना यहाँ पर इनकी जितनी भी रचनाएं रही हैं तो इनको आप एक बार जरूर याद रखें, इनका रचना वर्ष हो सकता है आपको पूछा जाए, ठीक है, तो याद रखिए इस बात को।
है ना, इंपॉर्टेंट है देखना। यहाँ पर इनकी जो उर्वशी है उसको नहीं रखा गया, उर्वशी 1961 की रचना है, जो उर्वशी और पुरूर्वा की प्रेम कथा है, जहां पर काम और अध्यात्म की समस्या को चित्रित किया गया है। उस वाले प्रश्न को भी आप याद रखें रामधारी सिंह दिनकर से। रामधारी सिंह दिनकर इनको क्या कहा जाता है, अनल कवि या आग का कवि भी इनको कहा जाता है, अधैर्य का कवि और आवेश का कवि भी इन्हें ही कहा जाता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है इनसे, ठीक है, बहुत ही जरूरी नाम है देखना रामधारी सिंह दिनकर का। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किसकी है, तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है, विप्लव गायन इनकी प्रसिद्ध कविता है, वहीं से ही प्रश्न रखा गया है और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता रहता है, तो इसलिए इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी रही, इनकी प्रसिद्ध कविता रही झांसी की रानी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कुबलड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। ये वाली पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां देखना, इसको याद रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा और कैदी और कोकिला, बड़ी प्रसिद्ध दो इनकी कविताएं हैं, उन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। मुझे नहीं जो चाह नहीं मुझे, मैं माला में गूंथा जाऊं, ऐसे कहता था ना वो, है ना, मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की मतलब फेमस जो रचना रही है, और माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये चीज इनके बारे में याद रखनी है। दिनकर से तो आपको पता ही है, शवानों को मिलता है दूध भात, बच्चे भूखे कुलाते हैं, माँ की पेट से क्या है वो जाड़े की रात बिताते हैं, ये वाली पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति देखना रामधारी सिंह दिनकर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है, तो इनको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद का प्रवर्तक, तो प्रभाकर माचुए ने इसको माना था देखना छायावाद का प्रवर्तक। नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। इला चंद्र जोशी, इन्होंने किसको माना, इन्होंने माना जयशंकर प्रसाद को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त दोनों को मानते हैं देखना छायावाद के प्रवर्तक। तो छायावाद के प्रवर्तक से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है देखना। लेकिन छायावाद का जो प्रथम प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे, ठीक है, वहीं से उससे भी माना जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल से क्या बताया आपको, प्रसाद बताया, शुक्ल के अनुसार होना चाहिए मुकुटधर पांडे और आपका मैथिली शरण, ये दो होने चाहिए। गलत बोला मैंने कुछ, रामधारी सिंह दिनकर जो उनको प्रगतिवादी में रखेंगे ना, प्रगतिवाद के अंतर्गत इनकी कुछ एक रचनाएं आएंगी, प्रगतिवाद के अंतर्गत इनकी कुछ एक रचनाएं आएंगी, तो वो आपको यहाँ मतलब टोटली नहीं रखेंगे हम इसको, इसको हम कहाँ पर रखते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत ही रखेंगे। प्रगतिवादी में रेणुका हुंकार जो रचनाएं रही है ना, वो आपको याद रखनी है, और जिसके चलते जो ब्रिटिश सरकार ने इनसे क्या मांगा था, इनसे जो है इन्होंने ये स्पष्टीकरण भी मांगा था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना जो प्रारंभिक रचनाएं रही है, ऐसे करके इसको याद रखिए आप। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचनाएं मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, तो यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, तीन इनकी रचनाएं हैं, जहां से आपको याद रखना है कि ये कैसी रचनाएं रही हैं इनकी मार्क्सवादी विचारधारा, या इसको हम कहते हैं प्रगतिवादी विचारधारा से संबंधित इनकी रचनाएं रही हैं। गुंजन जो है ये छायावाद की अंतिम कृति मानी जाती है देखना, सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं यहाँ पर। पल्लव, पल्लव से इसको कहा गया कि ये प्रकृति का सुकुमार कवि है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पल्लव। पल्लव की भूमिका को क्या कहा गया, छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है, ये चीज भी आपको याद रखनी है देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है पल्लव, ठीक है। ग्रंथि में क्या रहा, विरह गीत रही है ना, तो इनको आप थोड़ा सा याद रख के जाएंगे। युग वाणी, किस युग की वाणी, प्रगतिवादी युग की वाणी, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, बाकी कोई खास चीजें यहाँ से याद रखने लायक यहाँ पर नहीं है। दिग जीवन जो पाता ही आया है विरोध, राम की शक्ति पूजा की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, बार बार पूछी जाती हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इसको स्रोत स्मृति की कर देते हैं देखना, इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। ऑलरेडी आप लोगों को ये आता है तो अच्छी बात है, और जिन लोगों ने स्रोत स्मृति अभी किया है तो वो लोग एक बार इसको फिर से अपने दिमाग में बिठा लें कि ये वाली जो पंक्तियां हैं ये राम की शक्ति पूजा, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही है, लेकिन यहाँ पर राम की शक्ति पूजा से है, ना कि सरोज स्मृति से। जूही की कली तो होना ही नहीं था, तुलसीदास भी नहीं होना था, ठीक है, तो इन सब रचनाओं को याद रखें, ये समस्त रचनाएं किसकी हैं, ये रही आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और निराला जो है ये रहे छायावाद के शलाका पुरुष, महाप्राण के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है, तो उन्होंने खुद कहा था कि मेरे पास एक फिलोसफर वगैरह के हाथ पांव कुछ ऐसा कुछ उसने कहा है, वो कथन चली मैं आपको उसको बताता हूँ इसको बुक से, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है फिलहाल इन रचनाओं के बारे में। सारी की सारी इंपॉर्टेंट कृतियां देखना जितनी भी यहाँ पर लिखी गई हैं, तुलसीदास इनका खंड काव्य है, ये ध्यान रखना है, और राम की शक्ति पूजा जो रहा है यहाँ पर, ये इनकी प्रसिद्ध लंबी कविता मानी जाती है देखना, इसको भी याद रखना है आपको। स्रोत स्मृति ये प्रथम शोक गीत माना जाता है ना, इंपॉर्टेंट है। जूही की कली ये इनकी पहली कविता है,
ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे 1916 में, और जिसको छापने से इंकार कर दिया था किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, कौन सी पत्रिका में छाया, ये आपकी सरस्वती पत्रिका रही। आत्मविव्यंजना किस युग का सर्वप्रधान लक्षण है, तो आत्मविव्यंजना मतलब खुद को अभिव्यक्त करना किस युग का सर्वप्रधान लक्षण माना जाता है, ये है छायावाद। तो छायावाद में आप देखेंगे एक पंक्ति आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वो पंक्ति है, मैंने मैं शैली अपनाई, मैं शैली का मतलब है खुद को अभिव्यक्त करना, मैंने मैं शैली अपनाई देखा दुखी एक निज भाई, ये वाली पंक्ति ना बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको भी साथ में आप मेंशन कर लें और दोनों प्रश्न आपके यहां से निकल जाएंगे। वहीं से आपने याद क्या रखना है कि जो आपका छायावाद के अंतर्गत क्या रहा, अब आत्मविव्यंजना जो है ये यहाँ पर एक प्रधान लक्षण बनकर उभरी है, तो इस चीज को भी आप याद रखें, हो सकता है आपको विशेषताओं में ये चीज पूछी जाए, रहस्यवाद के साथ आप इसको भी याद रखें कि यहाँ पर आत्मविव्यक्ति या आत्मविव्यंजना को भी क्या रखा गया है, केंद्र में रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर आप बात करेंगे प्रयोगवाद की, तो प्रयोगवाद में आप देखेंगे कि मौन भी अभिव्यंजना है, ठीक है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं अज्ञेय। ठीक है, याद रखना है वहां पर मौन को क्या माना गया है, अभिव्यंजना माना गया है, लेकिन यहाँ पर आत्म अभिव्यक्ति को माना गया है, ये चीज यहाँ पर याद रखनी है आपको, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता वो आप ऑलरेडी जानते हैं वहां से, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रीयता का स्वर वहां पर भी आपने रखना है, भारत हिंदू युग में समस्या पूर्ति के साथ साथ राष्ट्रीयता का स्वर, अतीत का गौरवगान, फलाना प्रेम का जो भी है, वो सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रख लेनी है। लेकिन यहाँ पर मैंने मैं शैली अपनाई देखा दुखी एक निज भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, वहीं से याद रखना है आत्मविव्यंजना। ओके, हाँ, किसी ने कुछ कहना है, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं मैं, नो सर। चलिए रिकॉर्डेड में देख लेना, तभी हमारे क्वेश्चन पर हो पाएंगे। कल जो आपका टेस्ट होगा देखना उसमें कहां तक रहेंगी चीजें, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ठीक है, नई कविता एंड जो विभिन्न आंदोलन है, लगभग सारा ऑलमोस्ट, क्योंकि आंदोलनों में आपको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वहां पर खाली आपको प्रवर्तक ही याद रखने हैं, और ज्यादा टाइम जो है नवगीत वगैरह में टाइम मत लगाना अपना, गजल विधा में भी ज्यादा टाइम मत लगाना, वहां से आपको ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है तार सप्तक वो इंपॉर्टेंट है देखना, वहां से, वहां पर भी आपको पंक्तियां वाला प्रश्न जो है वो भी याद रखने हैं, जरूरी है। दूसरी चीज वहां से आप ये भी याद रखें कि किसको किस पर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो चीज जरूरी है देखना, आपके समकालीन कविता में वहां से वही प्रश्न ज्यादातर आपको रहेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी वहां पर आपको पूछे जाएंगे। तो जितना भी अब हमारा आधुनिक काल बचता है उसको आपने देखना है। नेक्स्ट वीक में जो सोमवार को आपका टेस्ट होगा वो रहेगा आपका फिर जो गद्य विधाएं हैं, गद्य विधाओं में मैं आपको अभी से बता दूं, इसमें नाटक विधा हमारा पहले पहल रहेगा, जितने भी प्रश्न नाटक से संबंधित बनते हैं उनको पहली बारी देखेंगे, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर प्रश्न रखा गया है, देखिए हालावाद के प्रवर्तक कौन है, तो हालावाद के जो प्रवर्तक रहे हैं ये कौन रहे, हरिवंश राय बच्चन, बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये, बहुत ही सिंपल प्रश्न, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, जिन पर जो आपका एक जो फारसी के कवि रहे हैं, कौन से रहे, उमर खयाम, जिनकी रुबाइयों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा, रुबाइयां क्या है, चार पंक्तियों की जो कविता रहती है इस पर इन्होंने लिखा था, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। इसके साथ ही साथ इन्हें हिंदी का बायरन भी कहा जाता है, हिंदी का बायरन का मतलब है कि बायरन की तरह इन्होंने भी लिखा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम है देखना ये हरिवंश राय बच्चन। इसके अलावा इन्हें क्षय रोमांस का कवि भी कहा गया डॉक्टर हेतु भारद्वाज के द्वारा, उस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। क्षय रोमांस और कुंठा का काव्य किसको कहा जाता है, जो आपका प्रेम और मस्ती का काव्य रहा है उसको ही कहा जाता है, तो ये बात भी आपको इनसे याद रखनी है देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये वाला जो आपका क्या नाम रहा इसका, ये हालावाद, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप देखना, बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये। रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये मांसलवाद से संबंधित रहे हैं, इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, है ना, तो इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला रामेश्वर शुक्ल अंचल का मांसलवाद। मांसलवाद क्या होता था ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था देखना, इसको बताने की जरूरत मैं समझता हूँ आपको यहाँ पर नहीं है, मतलब प्रेम का जो वासनामय रूप रहता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मांसलवाद कहेंगे, तो इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, हो सकता है इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पूछा जाए, तो एक बार आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चन सिंह, तो बच्चन सिंह, बहुत सारे लोगों ने ना इस प्रश्न को गलत कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि बच्चन सिंह जो है ये एक साहित्य इतिहासकार रहे, जबकि हरिवंश राय बच्चन जो है ये क्या रहे, ये रहे आपके एक कवि के रूप में, और हरिवंश राय बच्चन को इसके अलावा कहां पर प्रसिद्धि मिली, एक आत्मकथाकार के रूप में, जिन्होंने अपने चार भागों में अपनी आत्मकथा को लिखा था, है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, दूसरा लिखा था नीड का निर्माण, दश द्वार से सोपान तक, और एक था
एक था इनकी और एक भाग कौन सा रहा, क्या भूलूं या क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर दस द्वार से सोपान, बीच में एक और है तीसरा भाग कौन सा था, कौन बताएगा, शाबाश, किसी को याद है, आत्मकथा, बसेरे से दूर, ठीक है, हाँ बसेरे से दूर, याद रखना इन चीजों को, है ना, ये वाला प्रश्न भी इससे पूछा जा सकता है, देखना हरिवंश राय बच्चन से। तो हरिवंश राय बच्चन, तो इसमें जो हाला शब्द है ना, हाला, यहाँ पर हालावाद का जो प्रवर्तक, हाला से मतलब आपको याद रखना है, इसने क्या कहा, ये मतलब व्यवस्था विरोध के प्रतीक के रूप में इसने व्यक्त किया है, ठीक है, व्यवस्था के प्रति विरोध का माना जाता है प्रतीक इसको, देखना जो हाला शब्द है, इसको आप लिख लीजिए चाहे, हाला शब्द को किस रूप में, किसके प्रतीक के रूप में इसमें प्रयोग किया गया है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, तो यहां पर आपने याद रखना व्यवस्था विरोध के प्रतीक के रूप में, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखना हो सकता है इसको भी आपको पूछा जाए, ओके, तो इसको आप एक बार देखिए, लिख लिया या फिर से बोलूं एक बारी, व्यवस्था विरोध के प्रतीक के रूप में हाला शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, किसके द्वारा, जो आपके ये हरिवंश राय बच्चन रहे हैं इनके द्वारा, ओके, तो इसको भी आप याद रखें, देखना इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न भी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टाने नामक काव्य संग्रह पर किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो 1968 में मिला था, ये आसान सा प्रश्न है, आसान तो नहीं, मतलब ऐसे प्रश्न दिक्कत क्रिएट इसलिए करते हैं क्योंकि सन वगैरह याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके, याद रखिए इस चीज को भी, है ना, इंपॉर्टेंट है, और ये जो जितने भी यहाँ पर वर्ष रखे गए हैं ना, आपका काम क्या है, आपने ये देखना है अपनी बुक में कि 1964 में किसको मिला, 1960 में किसको मिला, 1972 में किसको मिला, और इतना मैं आपको बता दूं कि काव्य पर ही मिले हैं इन वर्षों में, ये आपके लिए होमवर्क है, इसके लिए आपको लिख लेना है कि ये किन किन रचनाओं को इस वर्ष में जो है ये आपका ये मिला है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किन किन रचनाओं को मिला है, हो सके तो आप जो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है वहां पर आप जो अपना होमवर्क जो है वो अपलोड वहां पर कर सकते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कैदी और कोकिला किसकी प्रसिद्ध कविता है, कैदी और कोकिला, अभी मैंने बता दिया आपको थोड़ी देर पहले, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी, नाथुराम शर्मा शंकर गर्भरंडा रहस्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली रचना अनुराग रतन इसकी रचना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, बार बार हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया हुआ है, नाथुराम शर्मा शंकर जो राष्ट्रीयता का कवि के अंतर्गत इसको भी हम गिन सकते हैं, ठीक है, इसकी पंक्तियां भी याद रखनी है और इसकी उपाधियां भी आपको याद रखनी है, ठीक है, भारतेंदु प्रज्ञा एंड साहित्य सुधाकर जैसी इसको प्रसिद्ध उपाधियां मिली हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, देखना नवीन के नाम से किसको जाना जाता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, उर्मिला कुमकुम कवासी, है ना, अम्बिशपाई जन्म के इस तरीके से कुछ इनकी रचनाएं रहती हैं, उनको आपने ध्यान रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान से मैंने आपको पहले बता दिया, जलियांवाला बाग पर भी इसने लिखा, एंड जो ये दूसरा झांसी की रानी कविता, ये भी आपको याद रखनी है इसके बारे में, है ना, इनको ध्यान में रखिए आप, त्रिधारा और मुकुल इसके दो काव्य संग्रह रहे हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान से, सुभद्रा कुमारी चौहान नागपंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था, है ना, ये बात भी याद रखनी है, और इनकी जो जीवनी लिखी थी इनकी बेटी सुधा चौहान ने, मिला तेज से तेज शीर्षक से, उसको भी आपने याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखना इनसे बन सकता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि जो आपके चित्ररेखा, रितंभरा और रागिनी की रचनाकार क्रमशः कौन कौन से हैं? मतलब रिस्पेक्टिवली आपको ऐसे बताना था कि पहले चित्ररेखा रामकुमार वर्मा की रचना रही है, दूसरे नंबर पर रितंभरा तो ये केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना रही है, और रागिनी शीर्षक से किसने लिखा था, ये गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा था, तो तीनों रचनाएं हैं, देखना मतलब छायावाद के जो अन्य कवि रहे हैं इनसे संबंधित आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको थोड़ा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी कि सामान्य जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा वहां से, ठीक है, इनको याद रखिए। आधुनिक युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि रामधारी सिंह दिनकर, तो ये हमने पहले ही देख लिया था, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात आपको नहीं होने वाली है, ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैथिली शरण गुप्त जो है ये रहेंगे आपके तरीके से, इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं लिखी, इतिवृत्तात्मक या व्याख्यानात्मक, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, प्रबंधात्मक जिसको आप कह सकते हैं, तो प्रबंध काव्य सबसे ज्यादा मैथिली शरण गुप्त ने लिखे हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन ये भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि, और सियाराम शरण गुप्त इससे आपको याद रखना है कि गांधीवादी विचारधारा से संबंधित जो रचनाकार रहे सियाराम शरण गुप्त, जो मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई रहे, ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आता है मधुकर्ण किसकी रचना रही है, भगवती चरण वर्मा। छायावादी प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है भगवती चरण वर्मा की मधुकर्ण, इसको याद रखना है आपको। देखना सियाराम शरण गुप्त की जो एक इनकी दो रही विषाद और आर्द्रा, ठीक है उनको याद रखना। और बापू शीर्षक से इनकी एक और कृति रही है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है देखना सियाराम शरण गुप्त की। ये नरेंद्र शर्मा प्रथम प्रभात, नहीं प्रथम प्रभात नहीं, क्या थी इसकी, श्री राम सॉरी नरेंद्र शर्मा की प्रथम प्रभात ही थी या पलाशवन वगैरह वगैरह, प्रभात फेरी सॉरी यस प्रभात फेरी, प्रथम प्रभात तो वो तो जयशंकर प्रसाद की होगी, यस प्रभात फेरी पलाशवन वगैरह वगैरह है ना, उसको याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है देखना, नरेंद्र शर्मा जो किससे ज्यादा प्रभावित थे, ये किससे ज्यादा प्रभावित था नरेंद्र शर्मा, ये रहे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। मांसलवाद तो अलग चीज है, लेकिन ये प्रेम और मस्ती के काव्य के अंतर्गत आते हैं। दोनों नाम भगवत चरण वर्मा और नरेंद्र शर्मा। श्री राम शरण गुप्त ये जो आपका कहाँ पर आ जाएगा, ये अलग से आएगा, इसमें नहीं आएगा, ये है ना सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीयता में आ जाएगी फिर, ठीक है ऐसे करके इनको याद रखिए। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर के किस प्रबंध काव्य को कर्ण को नायक बनाकर रचा गया है, तो दिनकर ने रश्मिरथी, ये भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया देखना यहाँ पर मतलब शुरुआत में ही, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा में मैंने आपको बता दिया कि इस पर क्या था, जो आपका ये भारत चीन के युद्ध पर आधारित है। कुरुक्षेत्र में किस किस का संवाद है कुरुक्षेत्र में, चलिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताया गया है कुरुक्षेत्र में महाभारत के किन दो पात्रों के संवाद को लेकर के इसको लिखा गया है, युधिष्ठिर और भीष्म, पितामह भीष्म और युधिष्ठिर के बीच का जो संवाद है वो इसमें बताया गया है। और कौन से पर्व को लेकर के लिखा गया है ये, शांति पर्व, ठीक है तो ये ध्यान रखना है। इतिहास के आंसू ये भी रामधारी सिंह दिनकर की ही कृति रही है, तो इनको भी आपने याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी, इनको याद रखिए। निराला कृत तुलसीदास किस विधा की रचित रचना है, देखिए ये मैंने बहुत बार आपको बताया कि ये इनका खंड काव्य, बावजूद उसके बहुत सारे लोगों ने जो उसको प्रबंध काव्य के अंतर्गत किया हुआ है, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, खंड काव्य आ जाएगा, ठीक है ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर देखना, ठीक है खंड काव्य है ये जिसमें तुलसीदास के गृह त्याग की कथा को बताया गया है, ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। और तुलसीदास निराला की रचना है, ये वाला प्रश्न आपका यहीं से ही निकल जाएगा, ठीक है तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ना जल्दबाजी में प्रसाद ये सॉरी प्रसाद निराला और पंत ही कर दिया शुरुआत में, क्यों, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि जो सही क्रम था वो प्रसाद निराला और पंत है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो ऐसे होगा, लेकिन ये प्रसाद पंत और निराला था। हम हालांकि हमने इसको पढ़ा भी ऐसे ही है देखना, इसी क्रम में हमने पढ़ा है, लेकिन जब आपको अगर ब्रह्मा विष्णु महेश है तब ये ठीक है ये क्रम, लेकिन अगर इनको सही क्रमानुसार जन्म वर्ष के आधार पर पूछा जाएगा तो ये ऊपर वाला जो है वो सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जयशंकर प्रसाद 1889 में, निराला 1897, सुमित्रा नंदन पंत 1900 में, ठीक है, और इसी तरीके से रामकुमार वर्मा 1903 में, भगवती चरण वर्मा 1905 में, 1907 में महादेवी वर्मा, ठीक है महादेवी वर्मा सबसे छोटी छायावाद की लघु त्रयी और बृहत त्रयी वाले कवियों को मिला के, ठीक है तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, देखना इंपॉर्टेंट था ये वाला प्रश्न भी। ये प्रसाद वाला क्या बताया, रिपीट करना एक बार, ये जो जैसे ये पूछा ना आपने प्रसाद पंत निराला, ये तो ठीक है ब्रह्मा विष्णु वर्ष के आधार पर ये वाला क्रम होगा, जन्म वर्ष के आधार पर ऊपर वाला क्रम होगा इसमें, ठीक है ओके सर। अगर जन्म के आधार पर पूछे जाएंगे तो प्रसाद निराला पंत, अगर पूछा जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश तो ब्रह्मा प्रसाद पंत जो है विष्णु रहेंगे और महेश जो है निराला रहेगा, रुद्र भी इसको कहा जाता, देखना ये ध्यान रखना है आपके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल सी चीजें थी, प्रकृति चित्रण स्वच्छंदतावाद के अंतर्गत किया गया, मतलब छायावाद के अंतर्गत ही था ये, प्रेम चित्रण भी इसमें रहेगा, सौंदर्य भावना भी, सौंदर्यात्मकता तो स्वच्छंदता में रहेगी, लेकिन जो प्रगतिशीलता है वो हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगी, जो इसकी प्रधान विशेषताओं में से नहीं होगा, तो प्रगतिशीलता कहाँ पर आएगा हमारा, ये प्रगतिवाद में ही आएगा। ओके आसान सा प्रश्न था, ज्यादा मुश्किल नहीं था ये, हालांकि बहुत सब लोगों ने ठीक भी किया इसको, लेकिन कुछ लोगों ने इसको भी गलत किया है, तो वो लोग इसको ठीक कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रामेश्वर शुक्ल अंचल की नहीं है, तो यहाँ पर हंसमाला किसकी रचना थी, ये थी नरेंद्र शर्मा की, ठीक है हंसमाला रक्त चंदन
उसी की रही है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है उसी की रही है, या कुछ गलत बोला मैंने इसमें अस्माला रक्तचंदन? ठीक है सर, ठीक है ना, हाँ ध्यान रखना। करील में आपको याद रखना रामेश्वर शुक्ल अंचल की किस तरीके की रचनाएं रही हैं, तो इसमें इनकी जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं जो करील इनकी काव्य संग्रह रहा। मधुलिका और अपराजिता ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, देखिए इसीलिए इसको प्रश्न को यहाँ पर रखा गया था, तो ये ध्यान रखना है। अपराजिता इंपॉर्टेंट कृति है जो बार बार पूछी जाती रहती है यहाँ पर, ठीक है उसको ध्यान रखना है। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, यह पंक्ति किसकी थी? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, देखना आसान पंक्ति है, तो एक बार इसको देखिए आप, जो भी आपके पास बुक्स वगैरह हैं वहां पर आपको ये पंक्तियां मिलेंगी बहुत सारी। मैं समझता हूं कि हमने अपनी लाइव क्लास के दौरान भी बहुत सारी पंक्तियों वाले प्रश्न किए हैं और हर बारी में अलग अलग पंक्तियां इनकी रखी गई हैं, ठीक है। तो पंक्तियां एटलीस्ट जो हमने करवाई हैं उनको भी आपने देखना है, और जो आपको लगता है कि ये वाली इंपॉर्टेंट है उन पंक्तियों को भी आप जरूर याद रखें, ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी, ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, देखना इसको याद रखना है। हरिवंश राय बच्चन, इनको भी याद रखिए। माखनलाल चतुर्वेदी, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के समस्त कवि यहाँ पर रखे गए हैं, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी का बायरन ये हमने कर लिया था यहाँ इससे पहले, यहाँ पर आपको याद रखना है ये कि ये रहे हरिवंश राय बच्चन। सही क्रम में रखना था यहाँ पर, अणिमा सबसे पहले आ जाएगा, नए पत्ते, बेला और आराधना, ये पंक्ति ये रचनाएं हैं किसकी? वैसे सबसे पहला प्रश्न तो यही वाला बनता है यहाँ पर, निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अणिमा जो है वो 1945 की रचना है, ठीक है। नए पत्ते भी 1943 की है, नए पत्ते और 46 की है, ये दोनों 46 की है, और आराधना उसके बाद आ जाएगा 1953 की, 53 यस सर, ठीक है। तो इनको आपने याद रखना, देखना अणिमा 1900 ये रहेगी आपकी 43, बेला और नए पत्ते 1946, आराधना 1953, तो इनको आपने ध्यान रखना है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं इनकी। हालांकि कई बार प्रथम जो पहले की हैं, देखना अनामिका, परिमल, गीतिका, ठीक है, इनको पूछा जाता है, और तुलसीदास इसके साथ आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से ये रहता है इनका प्रारंभिक रचनाओं का क्रम, ठीक है, तो इनको ध्यान रखें। और बाकी जो यहाँ पर ये वाली रहेगी, ये अणिमा, नए पत्ते, बेला, आराधना, ठीक है, इनको आपने ध्यान में रख लेना है। तो ये कहीं से भी पूछी जा सकती है, जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं है, देखना जो मतलब क्रम अनुसार लगाने के लिए आपको आएंगी। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लंबी कविता नहीं है? तो यहाँ पर कुकुरमुत्ता, बहुत सारे लोगों ने इसको किया, पता नहीं क्यों किया, कुकुरमुत्ता भी इनकी लंबी ही कविता है, भिक्षुक जो है इनकी छोटी कविता है, छोटी सी है, देखना जहां पर वो आता दो टुक कलेजे को लेके, क्या था वो, पीठ पीठ दोनों मानो मिलकर हैं एक, ऐसी ऐसी इसकी पंक्तियां, और ये पंक्तियां कई बार पूछी भी जाती हैं, कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो भिक्षुक कविता है इसमें कौन सा रस जो है देखने को मिलता है, तो वहां पर आपको याद रखना करुण रस की ये कविता रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखना भिक्षुक वाला जो कविता से संबंधित, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पर कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तो ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि ये सारी की सारी लंबी कविताएं हैं। प्रसाद कृत जो स्मृति काव्य रहा, ये आंसू है, देखना झरना, आंसू, लहर, कमायनी, क्रम यही रहेगा, क्रम क्या रहेगा, यही रहेगा, स्मृति काव्य, आंसू, ठीक है, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर विरह परक जो ये रचना रही है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे यहाँ से, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कमायनी 1935, ये रहेगा इनका निश्चित क्रम, इनको आप ध्यान में रख लीजिए। और तीनों से देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको जयशंकर प्रसाद से पूछा जाएगा तो आंसू होगा, निराला से पूछा जाएगा तो सरोज स्मृति होगा, एंड अगर सुमित्रा नंदन पंत से होगा तो उनकी जो ग्रंथी शीर मतलब पंक्ति होगी, ठीक है, पंक्ति नहीं सॉरी रचना होगी, ठीक है, इनको आपने ध्यान रखना है, देखना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और इन्हीं से आपको कुछ एक जो रचनाएं, कुछ एक पंक्तियां है ना वो थोड़ी बहुत याद रखनी है, जो भी रह परख ऐसी रही है। और एक सुमित्रा नंदन पंत की एक पंक्ति आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है वो, जहां पर वो कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर अश्रुओं से बही होगी कविता अनजान, ऐसी जैसी पंक्ति आती है, उस पंक्ति को भी आप ध्यान रखें, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। पंत किस दर्शन से प्रभावित थे? अरविंद दर्शन से। बौद्ध दर्शन से प्रभावित कौन रहे? यहाँ पर रही महादेवी वर्मा। शैव दर्शन से जयशंकर प्रसाद। अद्वैत वेदांत से आपके सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इन तीनों चारों से आपको इनके जो सिद्धांत हैं ये भी आपको याद रखने, जो दर्शन रहे इनके, ठीक है,
ये तो आसान सा प्रश्न था। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, यहाँ पर मधुप बीच में लोगों ने देखा आप लोगों ने, और मधुप से आपको याद आ गया कि मैथिली चरणगुप्त ने तो मधुप नाम से भी लिखा था, लेकिन यहाँ पर ये मधुप नहीं था, मधुप से आपको याद रखना था, इसने बांग्ला की लिखी है, लेकिन ये बांग्ला की नहीं थी, हिंदी की पंक्तियां हैं, तो यहाँ पर किसकी है, माधवी वर्मा की है ये, ठीक है, इनको ध्यान रखना है आपको ये वाली पंक्ति, ओके याद रखिए, पंक्तियों वाले प्रश्न थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं, तो पंक्तियों में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। माधवी वर्मा का जन्म वर्ष 1907, तो 1900 में कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती, और 1905 में राम कुमार वर्मा, राम यहाँ राम कुमार वर्मा, 1903 1905 में सुभद्रा, ठीक है ठीक है, याद रखिए इनको, है ना, इम्पोर्टेंट है ये वर्ष। किस रचना को छायावाद का प्रतिनिधि काव्य कहा जाता है, तो कामायनी को प्रतिनिधि काव्य कहा जाता है, देखना छायावाद का इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये वाला, और आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य इसे ही माना जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। कामायनी से संबंधित जो तथ्य है, कामायनी के पात्रों के बारे में, कामायनी का प्रमुख रस कौन सा था, ये चीज आपको पूछी जा सकती है, रचना वर्ष कब था ये पूछी जा सकती है, इसमें दर्शन कौन सा था, शैव दर्शन आनंदवाद का प्रभाव रहा, ठीक है, कौन सा इसमें छंद रहा, वो चीज भी जरूरी है, तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी थी। वंदना मैम कुछ कहना चाह रहे हैं, शाबाश, चलिए कोई बात नहीं, यामा यामा माधुर जो आपकी महादेवी वर्मा, मुझे माधुरी दीक्षित की याद आ गई महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा की यामा 1940 की थी, जिस पर इसको साहित्य कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, देखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1982 में जाती, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जबकि राम की शक्ति पूजा पर कोई भी पुरस्कार, कमायनी पर भी नहीं मिला, तो दो रचनाकारों को बड़े बड़े पुरस्कार यहाँ पर मिले हैं, माधवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत को, जबकि इन दोनों को मतलब ऐसे कोई विशेष पुरस्कार नहीं हुए। छायावादी कवियों में सबसे ज्यादा रहस्यवादी किसे माना जाता था, तो ये महादेवी वर्मा रही। रहस्यवाद के अंतर्गत मैंने चार चीजें आपको बताई थी, वो कौन कौन सी थी ये कौन बताएगा, रहस्यवाद के अंतर्गत आने वाली जो तीन चार चीजें रहती हैं वो कौन कौन सी थी, है किसी को पता, शाबाश, कौन बताएगा, फिर रहस्यवाद की परिभाषा भी दी थी महादेवी वर्मा ने, वो भी आपको याद रखनी है, देखना इंपॉर्टेंट है वो, रहस्यवाद से संबंधित महादेवी वर्मा की जो परिभाषा रही वो भी इंपॉर्टेंट है ना, चलिए कौन बताएगा, बताएगा कोई, दीपिका, रहस्यवाद के अंतर्गत आने वाली तो तीन चार चीजें थी वो कौन कौन सी थी, देखिए एक तो विशेष जो असीम सत्ता थी उसके प्रति प्रेम भाव, है ना, यही था ना, विरह और मिलन का भाव रहता है, है ना, जिज्ञासा का अब रहता है, और प्रतीकों का जो प्रयोग प्रतीक के जरिए हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी ये चार चीजें आपको याद रखनी है, है ना, बाकी महादेवी वर्मा ने क्या कहा था कि अपनी सीमा को असीम सत्ता में या असीम तत्व में खोजना ही क्या है, रहस्यवाद है, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना था, बाकी कण कण में ईश्वर व्याप्त है यही रहस्यवाद है, ये रहस्यवाद की एक कॉमन सी परिभाषा मानी जाती है, तो इन चीजों को आप याद रखिए, बाकी वैसे औरों में भी रही है ना जो ये रहस्यवादिता, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपको पूछा जाएगा यहाँ पर तो महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा की समस्त रचनाएं क्या है वो छायावादी प्रवृत्ति की ही रही हैं, इन्होंने छायावादी प्रवृत्ति से हटकर नहीं लिखा, जिस तरीके से पंत और निराला ने नव मानवतावाद के अंतर्गत भी लिखा, और इन्होंने जो आपका प्रगतिवादी स्वर के अंतर्गत भी लिखा है, जबकि जयशंकर प्रसाद ने इस छायावाद के पहले भी लिख लिया, इसलिए यहाँ पर आपको ये प्रश्न याद रखना है कि महादेवी वर्मा ने अपनी जितनी भी रचनाएं रची किस नाम मतलब किस तरीके से रखी इन्होंने, ये रखी इन्होंने मतलब समस्त जो अपनी छायावादी प्रवृत्ति के अंतर्गत, इनको भी याद रखिए आप, ओके। फिर आता है सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो लोकायतन, लोकायतन में क्या चीज रही, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित इनकी कृति रही, ये देखना है, इसको भी आपको याद रखना है ना, तो इंपॉर्टेंट कृति है लोकायतन, इस पर इनको क्या मिला, सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला है, और साथ ही साथ याद रखना लोकायतन का रचना वर्ष क्या रहा, तो ये इनका जो 1964, साथ ही साथ ये इनके महाकाव्यात्मक कृति भी मानी जाती है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये मैं कह रहा था, देखिए कामायनी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, देखना कि कामायनी के ऊपर आलोचनात्मक रचनाएं भी लिखी गई हैं, तो यहाँ पर रमेश कुंतल मेघ, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने लिखा है,
ठीक है, मैं ये चीज कह रहा था। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज मैंने आपको याद कही थी कि जो ये आपका मुक्ति बोध रहे हैं, इन्होंने कामायनी एक पुनर्विचार लिखी, त्रिवेदी ने पुनर्मूल्यांकन की, कुछ समस्याएं वाला शीर्षक से लिखी थी। रमेश कुंतल एक ने भी लिखा है, उसको आपने देखना, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो। रामविलास शर्मा ने ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि रामविलास शर्मा की जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको आप तल में, यह पंक्ति जश प्रसाद की ये पंक्तियां रही हैं। तो देखिए नारी से संबंधित जितने भी पंक्तियां आ रही है ना, इनको आप एक बार जरूर देख लें, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, याद रखना। लहर दो बार हो गया, लहर इसको आप ध्यान रखना है। लहर शीर्षक से इनकी कुछ एक रचनाएं मतलब पंक्तियां रहती हैं, ले चल मेरे नाविक वो वाली इंपॉर्टेंट है, देख ठीक है। जरा और आंसू, आंसू शीर्षक की कुछ एक प्रारंभिक कृतियां हैं, अभी मुझे शायद उनका ध्यान नहीं आ रहा है, आपने देखना है। आपको अगर बुक में मिलती है तो ठीक है, नहीं मैं आपको फिर उसको बताता हूँ अगले वाले भाग में कि आंसु शीर्षक से की कौन कौन सी कृतियां रही हैं, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। ओके, भगवान बेटी ने डिलीट कर दिया तो मैं कैसे करूं, खुद तो डिलीट ना पाना, ठीक है। आपको याद नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर गर से आपको याद रखना है, इनके समाज परिचय से, इनका कोई मतलब ऐसा नाम नहीं है, चीजें याद रखनी है, इनके बारे में की जो उपाधियां रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वनस्पति के नाम के, ठीक है। आवाज चली गई मेरी फिर से क्या? नो सर, आ रही है आवाज, ठीक आ रही है, चलिए ठीक है। आई थिंक में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं या कुछ अलग दिख रहा है, उल्टा सीधा दिख रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। जय शंकर प्रसाद, वो याद रखना है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, सुमित्रानंदन तो बार बार पूछा जाता है, देखना इसको याद रखना है आपको। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी, कविता परिवेश की पुकार है, महादेव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जय शंकर प्रसाद, संकरणात्मक कहा गया है कविता को इसके द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। आत्मानुभूति का कवि कहा जाता है, हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है, ये आपको रखना है। आत्मानुभूति का कवि किसने कहा था, इसको डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, ये चीज भी आपको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। बाकी इन दोनों का कि इनको क्या कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर, अभी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, बार बार क्यों करना है इसको। निराला ओज औदात्य विद्रोह का कवि, तृप्ति का कवि, व्यस्क श्रृंगारी कुंठा का कवि, ये चीजें आपको यहाँ पर इससे याद रखनी है। छायावाद का रुद्र भी इसे कहा जाता है, ये चीज याद रखिए। ओके, इंपॉर्टेंट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना वर्ष 1961 में रश्मि रथी, 1963 में परशुराम, और 1968 में कोई ऐसी रचना रही है इनकी इंपॉर्टेंट क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी, ये सुमित्रानंदन पंत की 1968 में, देखना आप 1968 में अगर कोई इंपॉर्टेंट कृति हो, बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर निहार रश्मि नीरजा अग्निरेखा, अग्निरेखा आखिरी था। इसके अलावा यहाँ पर जो निहार रश्मि नीरजा, ठीक है, निहार 1930 और ये रश्मि 1932 और नीरजा 1935, कुछ इस तरीके का रहा होगा इसका रचना वर्ष, वो आपको याद रखना है, ध्यान रखिए इस वाले प्रश्न को भी। अभी स्क्रीन शो हो रही है सबको या कट के आ रही है आवाज फिर से? चलिए ठीक है, बातचीत ठीक, बातचीत नहीं सॉरी आवाज ठीक आ रही है? हां जी। चाहिए इस कथन की रचयिता राम कुमार, एक कथन मैंने आपको बताया था जो भाषा से संबंधित था इनका कथन, है ना, उस कथन को एक बार फिर से देखिए, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। हमें कि दूसरी बार दूसरी की ओर नहीं ताकना चाहिए, ऐसे को भी आप उसी में ही ऐड कर लीजिए। एक ही पंक्ति आती है उसको टुकड़ों में, रामकुमार वर्मा से संबंधित, और कोई रामकुमार वर्मा से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बने में रहे हैं। यहां पर जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा था, देखना आपको याद रखनी है, इससे वही वाला प्रश्न आपको बनेगा, तो वहां से आप वो ध्यान, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आर्य, इनको जाना जाता है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी का इसको जो है इसमें आंसर में कर दिया था, तो वो नहीं होना। और कुछ लोग जो है
मैथिली शरण गुप्त की तरफ गए, क्योंकि गुप्त को हमने भारत भारती, तो वो भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिए इस वाले प्रश्न को। प्रश्न देखते हैं, त्रिधारा और मुकुल, तो ये हमने सुभद्रा कुमारी चौहान पहले ही डिस्कस कर लिया था, सोहनलाल द्विवेदी की आती है कुणाल, कुणाल गीत, कुछ इस तरीके की इनकी ये रचना रही है। बालकिन शर्मा नवीन की ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल की भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुमित्रानंदन पंत की जो आरंभिक कविताएं रही हैं वो किस संग्रह में रही, तो वो वीणा संग्रह में संकलित थी, ठीक है, वीणा, पल्लव, ग्रंथि और इनकी सारी की सारी रचनाएं हैं, इनको आपने याद रखना है, देखना, और इन रचनाओं में क्या क्या चीजें रही हैं वो भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ध्यान रखनी है आपको सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं रही हैं उनको कितने भागों में विभक्त किया गया है, ये वाला प्रश्न भी बनता है, तो चार भागों में बांटते हैं। पहले पहले इनकी छायावादी रचनाएं आती हैं, छायावाद के बाद प्रगतिवादी आती है, प्रगतिवादी के बाद जो है नव मानवतावादी इनकी रचनाएं रहती हैं, फिर जो आपका कुछ अन्य जो आती है चौथे नंबर पर, ठीक है, उनको आपने याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद तृप्ति का कवि किसे कहा गया है, तो यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनको हम कहेंगे जो आपका पुनर्जागरण का प्रभु भी कहा जाता है इसको ना, जो आपका आधुनिकता का, बहादुर सिंह इनको प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है, जो तार सप्तक के कवियों में आते हैं। नागार्जुन, नागार्जुन को जनवादी कवि के रूप में भी जाना जाता है, जन जन का कवि भी इसे कहा जाता है, और पत्रकारिता का कवि, और दूसरा एक इसको और भी बात कही गई थी जो इनकी कविता को कैसी कविता कहा गया था, प्रचारात्मक कविता कहा जाता है, देखना वो चीज भी आपको इनसे याद रखनी है, जो आपके क्या नाम रहा इनका, नागार्जुन, है ना, आधुनिक युग का इनको क्या कहते हैं, तुलसीदास भी कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि तृप्ति का कवि कहते किसे हैं, तो अभी एक प्रश्न पहले छोड़ के हमने इसको बताया था, कौन बताएगा तृप्ति का कवि, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, निराला। एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को माना जाता है, ठीक है, हिंदी का बायरन, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, अधैर्य का कवि, आवेश का कवि, ओके। तो ये रहे आपके आज के 40 क्वेश्चंस, एंड आई होप कि आप सब लोगों ने इस वाली प्रश्नोत्तरी को जरूर इंजॉय किया होगा, इसमें बहुत मुझे लगा कि सही क्वेश्चंस थे जो आपने कहीं ना कहीं बाकी प्रश्नोत्तरियों से ज्यादा इसको अच्छे से अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि अभी इसमें और गुंजाइश है तो और प्रश्न बनाइए इसमें, हालांकि हमने अपनी जो प्रश्नोत्तरी लाइव के दौरान की थी उसमें भी आपको वैसे इस यूनिट से प्रश्न रखे गए हैं। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, ये कर दिया, थैंक यू सर, ओके देन, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।